हेलो गाइज, मैं पावर सिस्टम में पढ़ा रहा था। तो हम इसमें आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज क्या टॉपिक है? मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन। मतलब दो ओवरहेड जो लाइन है, आप लोग देखते होंगे कि ये दो तुम्हारा आपका टावर होता है ना, टावर लगा हुआ होता है ना, इसमें ये कंडक्टर जाता है, एक ऊपर से कंडक्टर जाता है, इस टाइप का देखते हैं ना। तो इसी का क्या हुआ है, मैकेनिकल डिजाइन। क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो क्या हो गया, सपोर्ट करता है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा ही। क्रॉस आर्म्स एंड क्लैंप्स, ये क्या होता है, यूज किया जाता है पोल स्ट्रक्चर पर। किस लिए किया जाता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट सपोर्ट इंसुलेटर एंड कंडक्टर को। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर, कंडक्टर को पता है, इंसुलेटर क्या होता है, आगे हम बताएंगे। अगला आ जाता है इंसुलेटर, किस किस टाइप का इंसुलेटर यूज किया जाता है, पिन टाइप का यूज किया जाता है, स्टेन सस्पेंशन, ऐसे सब आगे पढ़ेंगे। कंडक्टर, कंडक्टर कौन से कंडक्टर का, एल्युमिनियम का यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे, ये सब कंडक्टर का, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ें। फिर गेन स्टे हो गया, फिर लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर किस लिए यूज किया जाता है, डिस्चार्ज करने के लिए एक्सटेंसिव वोल्टेज को। जो लाइटनिंग अरेस्ट आता है ना, तो उसमें क्या होता है, अचानक से ओवरफुल आता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्ट, उसी के लिए यूज किया जाता है। ये सब के बारे में डिटेल से भी पढ़ना है। फ्यूज एंड आइसोलेटिंग स्विच, की फॉल्ट टूटा गया तो उसके लिए फ्यूज लगाएंगे, लाइटिंग फिर कंटिन्यूस हेल्थ वायर, एक ऊपर से ऊपर में जो एक वायर लगाया जाता है ट्रांसमिशन में, वो तो वो आपका क्या हो गया, कंटिन्यूस हेल्थ वायर हो गया। गार्ड वायर, फेज प्लेट, फेज अलग अलग फेज फेज है, तो उसके लिए एक फेज प्लेट लगा देंगे कि ये अलग अलग टाइप का फेज है। डैंडर्स प्लेट लगाएंगे कि ये 33 kV है, एक 132 kV है, डेंस डेंजर है जाना इधर, ये सब तुम्हारा आपका, ये सब जितना भी आप लोग को दिख रहा है, ये सब के बारे में डिटेल से डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला पढ़ते हैं किसके बारे में, लाइन सपोर्ट के बारे में। ये लाइन सपोर्ट क्या है, तो लाइन सपोर्ट द मेन रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए लाइन सपोर्ट का, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए इसका। क्या होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा तब तो वेट ऑफ कंडक्टर है उसको भी सस्टेंड कर पाएगा। फिर क्या है, लाइट इन वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए वेट में। फिर तुम्हारा क्या है, चीपर इन कॉस्ट होना चाहिए। पहले ही बताए थे कि कॉस्ट बहुत ज्यादा फैक्टर करता है हमारे पावर सिस्टम में, तो कॉस्ट भी। फिर क्या होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्गर लाइफ होना चाहिए। फिर क्या, गुड लुकिंग, अच्छा लुकिंग। अब आजकल तो स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो अच्छा दिखना चाहिए ना। फिर क्या होता है, ईजी एक्सेसिबल होना चाहिए, ईजी एक्सेसिबिलिटी फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए। तो लाइन सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, उसके टाइप के बारे में अभी हम बता रहे हैं। उसका जो चॉइस होता है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने लाइन वोल्टेज के लिए यूज कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला हम आता है वुडन पोल, वुडन पोल। इसका यूज कहाँ होता है, अब सो इसका यूज होना बंद हो गया है वुडन पोल का, पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, पहले यही था ही।
इसका जो अभी स्पेशल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज होता है। इसका ये ज्वेलरी तुम्हारा जो लिमिटेड कितना है 22 KV तक ही इसका यूज करती है। तो इसका जो स्पैन होता है वो कितने डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं 60 मीटर। स्पैन जैसे कि ये लाइन है, एक दूसरा टावर लगा है, ठीक है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना मैक्सिमम इसमें हो सकता है 60 मीटर ही यूज किया जाता है। फिर क्या बोलता है इसमें कि टू प्रिवेंट डीके, इसमें डीके को प्रिवेंट करने के लिए ऑन स्नो और रेन ये सब, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा स्नो रेन आएगा तो खराब होने का डर है। इसी के लिए इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड करते हैं एल्यूमिनियम जिंक या सीमेंट कैप्स एट द टॉप, ठीक है। इसका जो तुम्हारा लाइफ जो होता है कितना होता है 25 to 30 years होता है, इतना ही लाइफ होता है इसका। इसका जो हाइट कितना होता है वुडन पोल का 10 to 12 meter, ठीक है। ये इसका ये सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आजकल कुछ कुछ एग्जाम में, SSC हो गया, STPC हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, स्टील पोल। स्टील पोल का क्या होता है, देखो अब स्टील पोल है तो इसका पहले तो सबसे पहले क्या हो गया, अब इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट तो ज़्यादा होगा ही। इसका लॉन्गल स्पैन के लिए यूज किया जाता है कितना 50 to 80 meter, मतलब इससे ज़्यादा स्पैन आ गया। फिर इसका एवरेज लाइफ कितना होता है, एवरेज लाइफ मोर देन 40 ईयर, 40 साल से इसका लाइफ ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा। फिर क्या होता है, अब अगर आगे आते हैं, तीसरा है RCC पोल। RCC पोल इसको क्या है, इसका क्या है, रेन फोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल, यही तुम्हारा क्या हो गया RCC, CUN, गलत लिखा गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका जो वोल्टेज कितना, अप टू कितना वोल्टेज तक इसका यूज किया जाता है 33 KV तक यूज किया जाता है। लेकिन जो इसका स्पैन जो होता है कितना होता है 80 to 200 meter, मतलब इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये होता। फिर क्या आता है, फिर ये जो होता है RCC पोल वो बहुत बल्की और हैवी होता है, जिसके कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट बहुत ज्यादा हैवी और नीड केयर करना होता है इसको हैंडल करने के लिए। मतलब इसको सबसे दिक्कत यही है कि इसको हैंडल करना में बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाएगा, क्योंकि हैवी होगा, इधर से उधर ले जाने में बहुत दिक्कत है। फिर अगला फोल्थ वन क्या होता है, लाइटिस स्टील पोल। इसका जो यूज किया जाता है, लाइटिस स्टील का यूज किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए, कितने ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, लाइटिस स्टील टावर का जो यूज किया जाता है वो अप टू एट 11 KV तक, एंड ब्रॉड बेस लाइटिस, ब्रॉड
बेस लैटिस स्ट्रक्चर का इसका यूज कितने तक किया जाता है? 33 KV से ज्यादा नहीं, ये लैटिस स्ट्रक्चर का 11 KV 33 KV तक यूज करते हैं। और इसका जो यूज किया जाता है 66 KV एंड ए भविष्य भी ज्यादा के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आता है ये आप किसके बारे में हो गया? लाइन सपोर्ट के बारे में हो गया। अब आगे किसके कंडक्टर मटेरियल के बारे में ज्यादा जान लेते हैं कि कौन कौन सा कंडक्टर मटेरियल का यूज किया, कौन कौन से कंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। तो पहले ये जान लो कि जो ये कंडक्टर मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए इसमें यूज करने के लिए। तो पहला क्या है, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि हम यूज किसके लिए ले रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी अच्छा होगा तो वो अच्छे से ट्रांसमिट कर पाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया। फिर क्या है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना चाहिए, तब तो अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल स्ट्रेस भी अच्छा से कर पाएगा। फिर क्या है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होना चाहिए, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ऑर्डर टू गिव लो वेट पर यूनिट वॉल्यूम लो। फिर तुम्हारा क्या है, लो कॉस्ट होना चाहिए, कॉस्ट तो लो ही होना चाहिए। फिर क्या, इजी अवेलेबिलिटी मतलब आसानी से अवेलेबल भी होना चाहिए। और फिर क्या है, शुड नॉट बी ब्रिटल, ब्रिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कॉमनली यूज जो कंडक्टर मटेरियल जो यूज करते हैं वो कौन कौन सा यूज करते हैं? कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, कोल, एल्यूमिनियम। फिर तुम्हारा है गैल्वेनाइज्ड, गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड कैडमियम कॉपर, कैडमियम। ठीक आज इतना ही आने देते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।